राइट अ प्रोग्राम इन जावा टू इनपुट अ नंबर, एक नंबर इनपुट करना एंड चेक वेदर इट इज अ हर्षद नंबर और निवेन नंबर और नॉट। तो यहाँ पर एक कंडीशन होती है, जैसे कोई भी एक नंबर 18 इज अ हर्षद नंबर, एग्जाम्पल से समझ लो, एग्जाम्पल से अच्छे समझ में आ जाएगा। जैसे 18 एक नंबर लिखा हुआ है, तो 18 का मुझे सम ऑफ द डेट निकालना है। तो अगर मैं यहाँ पे 18 का सम ऑफ द डेट निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस कितना 8, तो 1 प्लस 8 कितना हो जाता है 9। तो अगर ये जो सम ऑफ द डेट आता है ना यानी कि 9, तो अगर ये उस नंबर को फुली डिवाइड कर देता है यानी कि 18 मॉडुलस बाय कितना 2 इक्वल 18 मॉडुलस बाय 9 इक्वल टू 0, अगर ये वाली कंडीशन क्या हो जाती है, फॉल्स हो जाती है, तो फिर उस केस में वो क्या होगा, एक हर्षद नंबर होगा या फिर उसे निवेन नंबर भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहले मुझे एक नंबर इनपुट करना है, नंबर का मुझे सम ऑफ द डेट निकालना है जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था। तो देखो सम ऑफ द डेट कितना आ जाता है, यहाँ पर 9 आ जाता है। अगर ये सम ऑफ द डिजिट इस नंबर को अगर फुली डिवाइड कर देता है तो फिर उस केस में क्या होगा, वो हर्षद नंबर या फिर निवेन नंबर होगा। तो सबसे पहले मुझे एक नंबर इनपुट करना है चाहिए, उसका मुझे सम ऑफ द डेट निकालना है, और लास्ट में बस मुझे चेक डिवाइड करके चेक करना है कि वो डिवाइड हो जाता है या नहीं हो जाता है। तो क्लास नेम मैंने यहाँ पर निवेन ही ले लेता हूँ। इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल सम इक्वल टू कितना 0, यहाँ पे सम की वैल्यू मुझे 0 लिया हुआ है। कॉपी वेरिएबल्स की भी रिक्वायरमेंट होगी तो मैंने यहाँ पे कॉपी वेरिएबल्स भी लिया हुआ है, और एक डिजिट व्हाइल लूप यूज करेंगे। एन इज नॉट इक्वल टू 0 यानी कि अंटिल द कंडीशन बिकम्स फॉल्स या फिर अंटिल अंटिल द कंडीशन रिमेंस ट्रू। व्हाइल लूप डिजिट एक्सट्रैक्ट करने के लिए एन मॉडुलस बाय कितना n परफॉर्म करेंगे, और ये हो जाएगा सम इक्वल टू सम प्लस डी। और नेक्स्ट टाइम के लिए नंबर को रिड्यूस करेंगे तो नंबर रिड्यूस करने के n इक्वल टू n डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। और लास्ट में देखो यहाँ से सम निकल आएगा, फर्स्ट क्वेश्चन में भी मैंने यही किया था। अब बस मुझे ये चेक करना है कि अगर ये नंबर है तो नंबर में मेरा कितना था n1। दोबारा से गलती मत करना यहाँ पर कि ओरिजिनल वेरिएबल का यूज करना है, तो मैं अब यहाँ पर कॉपी वेरिएबल का यूज करना है, क्योंकि यहाँ पर एन की वैल्यू जब ये वाइल लूप की कंडीशन फॉल्स होगी तो एन एन की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 0 हो जाएगी। तो n1 यानी कि कॉपी वेरिएबल्स का यूज करना है, तो n1 यानी कि मॉडुलस बाय कितना जो भी सम की वैल्यू आती है इक्वल टू इक्वल, जैसे मान लो एन की वैल्यू एन में कितना लिखा होता है 18, तो n1 में भी कितना स्टोर हो जाएगा 18। तो यहाँ से इस वाले लॉजिक से वाइल लूप के लॉजिक से जो सम की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 1 प्लस 8 इक्वल टू कितना 9, तो सम में कितना स्टोर हो जाएगा 9। तो मुझे चेक करना है इफ n1 n1 का मतलब 18 मॉडुलस, सम की वैल्यू कितनी थी 9, तो 18 मॉडुलस 9 इक्वल टू कितना 0, क्या 18 9 से मॉडुलस हो जाता है। अगर ये कंडीशन यहाँ पे ट्रू होती है तो एक मैसेज प्रिंट होना चाहिए इट इज अ हर्षद नंबर या फिर निविन नंबर। तो मैं निविन ही लिख देता हूँ, मैं निविन से कराया है तो इट इज अ निविन नंबर। फुल मैसेज तुम यहाँ पर लिख देना, एल्स की कंडीशन होगी, फिर उसके बाद सिस्टम नॉट निविन नंबर। तो समझ में आ गया होगा सबके, एक नंबर मैंने यहाँ से 18 इनपुट किया, तो इस वाले लॉजिक से ये लॉजिक मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में लॉजिक सिखाया था सम ऑफ द डिजिट का, तो इस लॉजिक से जो सम की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 1 प्लस कितना 8, तो 1 प्लस 8 कितना हो जाएगा था 9। तो आफ्टर वाइल लूप मुझे चेक करना है इफ n1 यानी कि ओरिजिनल नंबर, तो ओरिजिनल नंबर था मेरा 18, तो 18 मॉडुलस बाय कितना 9 इक्वल टू कितना 0, इसका मतलब 18 में अगर मैं 9 का मॉडुलस करूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा इधर 0। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो मैसेज प्रिंट होगा निविन नंबर, अदरवाइज मैसेज प्रिंट होगा इट इज नॉट अ निविन नंबर।